वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस की मार से दुनिया का हर देश बेहाल है, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर क्रूड ऑयल से मालामाल सऊदी अरब। कोरोना ने सभी को घुटनों के बल ला दिया है। आलम यह है कि सऊदी अरब ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए अब सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया है। इसके अलावा जनता पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे आर्थिक संकट में घिरा सऊदी अरब और क्यों आ गई सरकारी संपत्तियों को बेचने की नौबत। दरअसल कच्चे तेल पर काफी हद तक निर्भर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल में गिरावट के चलते लगातार लुढ़क रही है। इस हालात से निपटने के लिए सऊदी अरब ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला तो किया ही है, इसके अलावा अब वह जनता पर टैक्स भी लगा सकता है। उधर कच्चे तेल में गिरावट के चलते सऊदी की शाही सरकार के खजाने में भी भारी कमी आई है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा है कि सरकार ने अगले 4 से 5 सालों में एजुकेशन, हेल्थ केयर और वाटर सेक्टर में संपत्तियों के निजीकरण के जरिए 13.3 अरब डॉलर की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में इस साल 6.8% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में बीते 30 सालों में सऊदी इकोनॉमी में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट साबित होगी। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के वित्त मंत्री जादान ने कहा है कि सरकार वित्तीय हालात को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना के संकट से निपटने में अभी दुनिया को और वक्त लगने वाला है, ऐसे में सऊदी किंगडम इनकम टैक्स के जरिए कुछ फाइनेंस जुटा सकता है। दरअसल सऊदी अरब इस दौर में दोहरे झटके से गुजर रहा है। एक तरफ सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल में गिरावट से पस्त है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने संकट को और गहरा दिया है। इसलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सऊदी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए वैट को 3 गुना तक बढ़ा चुकी है। इसके अलावा इंपोर्ट फीस में भी इजाफा किया गया था। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों यानी कि लाभों में भी कटौती की गई थी। लेकिन अब क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट के चलते सरकार वो सब्सिडी वापस लेने के साथ साथ इनकम टैक्स लगाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि सऊदी अरब के वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार खर्च में कटौती की योजना नहीं बना रही है। तो इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे कोरोना काल में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिलहाल आप देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।